आज हम लोगों के सामने क्लास सिक्स चैप्टर टू होल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ टॉपिक्स कंसिडरेशन कर लेते हैं जिसके बेस पे आप इसे इजीली समझ सकते हैं। तो आज हमें क्या सीखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें सीखना है नेचुरल्स नंबर, होल नंबर, प्रीडिसेसर नंबर एंड सक्सेसर नंबर। उसके बाद हम सीखेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 जो इसके रिलेटेड है। अगर आपको ये फोर टॉपिक्स आ जाएंगे तो आप एक्सरसाइज 2.1 इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड हैज नो एंड। मीन्स इस प्रकार का नंबर जो स्टार्ट कहां से होता है स्टूडेंट्स आपका 1 से और जिसका कोई भी एंड नहीं हो, इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एंड, जिसे शॉर्टकट में हम एंड से क्या करते हैं डिनोटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 देन आफ्टर वेजेस। मीन्स ये जो नंबर है आपका वो बार बार क्या रहा है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू हो रहा है। चलिए देखते हैं हम सेकंड होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होता है, जो चैप्टर्स का नाम है। तो होल नंबर्स मीन्स होता है सारी संख्या। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, नंबर्स विच स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड हैज नो एंड। मीन्स इस प्रकार की संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और जिसका कोई भी एंड होता नहीं है, इट इज कॉल्ड होल नंबर, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय W, जिसे हम W से क्या करते हैं डिनोटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन आफ्टर बेस बेस। मीन्स ये भी संख्या जो होगी स्टूडेंट्स आपकी बार बार आगे चलती रहेगी, मीन्स नॉन स्टॉप, स्टॉप नहीं होगा इसका, चलती रहेगी। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट प्रीडिसेसर नंबर। ये आप लोगों के लिए बहुत इजी टॉपिक्स है प्रीडिसेसर नंबर। एक्चुअली प्रीडिसेसर नंबर्स आप लोगों ने स्मॉल स्टैंडर्ड में देखा होगा। बिफोर नंबर्स मीन्स कोई भी नंबर्स को हम फाइंड करने के लिए उससे वन डिजिट हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो वही तो है। चलिए देखिए डेफिनेशन, प्रीडिसेसर इज द नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर द नंबर्स। मीन्स इस प्रकार की संख्या जिससे ए वन हमें क्या करना होता है माइनस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 4 का स्टूडेंट, क्या कहूँ 4 का मुझे क्या करना है प्रीडिसेसर फाइंड करना हो, ठीक है क्या करना हो 4 का हमें प्रीडिसेसर फाइंड करना हो, तो 4 में से हम 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 3। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि मुझे 8 का प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो 8 में से भी 1 मैं माइनस करूंगा तो आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 7। इस प्रकार से हम प्रीडिसेसर नंबर क्या करेंगे फाइंड करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक आपका है स्टूडेंट सक्सेसर नंबर। सक्सेस मतलब होता है आगे चलना, तो सक्सेसर नंबर भी जैसे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा था आफ्टर नंबर, तो वही तो है। डेफिनेशन देखते हैं, सक्सेसर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, इस प्रकार की संख्या जिसके बाद की जो एक संख्या आती है उसे हम क्या कहते हैं सक्सेसर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ मुझे 8 का स्टूडेंट, 8 का सक्सेसर फाइंड करना, 8 में हम क्या कर देंगे प्लस, तो आपका स्टूडेंट आ जाएगा 9। उसी प्रकार से मैं 15 का ले लू, अब 15 में भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीडिसेसर में हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमें इजीली तरीके से इसे समझना है, और आपको अगर समझ में नहीं आता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। 2.1 जिसमें क्वेश्चन 1 है हमारा, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो मैंने आपको कहा था नेचुरल्स नंबर्स क्या होती है, जिस नंबर के आगे मीन्स डिजिट चलती रहती है। तो यहां पर हमें 3 नेचुरल्स नंबर फाइंड करनी है आफ्टर मीन्स जो 10,999 के बाद आती है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स देखिए, पहली हम फाइंड करेंगे फर्स्ट, तो लिखेंगे 10,999 जिसमें हम 1 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जिससे हमारी आ जाएगी 11,000, ठीक है। मीन्स देखिए 1 प्लस किया तो 11,000 हो गया, उसके बाद 11,000 में हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है ओके। तो आपका आ जाएगा 11,000 फिर आ जाएगा 1। देन आफ्टर हमें थर्ड भी फाइंड करनी है, तो इसमें भी हमें 1 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो आपका आएगा 11,002। या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे 10,999 के बाद लिख सकते 11,000, 11,001, 11,002,
बट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट द थ्री होल नंबर्स। स्टूडेंट्स होल नंबर्स आपको पता होगा जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अक्योरिंग जस्ट बिफोर, बिफोर मीन्स होता पहले, ओके तो 10,001 से पहले की हमें थ्री डिजिट लिखनी है। तो पहले लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो देखिए करते हैं, पहले आपकी आएगी लिखा हुआ है 10,001, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 10,001, जिसमें से हम वन क्या करेंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10,000, क्लियर। अब 10,000 में से ये वाली डिजिट में से भी हम वन क्या करेंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा 9,999। उसके बाद लास्ट आपकी फिर से आप माइनस कर दीजिए, इसमें 9,999 में से हम वन माइनस करेंगे, तो देखिए 9 में से 1 गया 8, बाकी के डिजिट हम ऐसे ही नोट कर देंगे बच्चों, ओके। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, 10,001 के से पहले की थ्री डिजिट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10,000 आती है, 9,999 आती है, 9,998 आती है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 आप लोगों का, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बच्चों होल नंबर में सबसे छोटी डिजिट, तो आप लोगों को पता होगा कि होल नंबर्स में, जैसे मैंने बताया था कि होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से, तो वही सबसे छोटी डिजिट होगी, तो हम लिखेंगे यहां पे जीरो, ठीक है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 है आपका, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, मीन्स 32 से लेकर, नहीं 32 जो लिखा है ना एंड 53, तो बिटवीन जब कहा है तो 32 हमें काउंट नहीं करना होता है बच्चों, 32 से, तो 33 से काउंट करेंगे, और यहाँ पे लिखा 53, तो 53 तक हमें नहीं लेना है, 53 तक के बीच की, तो 52 तक ही काउंट करना है। आप चाहो तो डिजिट लिख के भी कर सकते हो, जैसे 32 बिटवीन यानी के बीच होता है, 32 से लेके 53 के बीच, तो स्टार्टिंग होती है 33 से, ओके, 34 से, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52, और 53 हम लेंगे नहीं, बिकॉज उसके बीच में लेनी है। अब इसको काउंट कर लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो आप देख रहे हो टोटल आपकी कितनी डिजिट आ गई है स्टूडेंट्स, 20 डिजिट आ गई है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 32 से लेके 53 के बीच में हमारी कितनी डिजिट आ गई है, टोटल 20 डिजिट आ गई है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें 53 से में से 32 हमें माइनस करना होगा, ठीक है, और उसमें से, ठीक है, 53 में से हमें क्या माइनस करना होगा 32, और उसमें हमें 1 भी क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो देखिए 53 में से टोटल हमारा कितना माइनस हो गया 33, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। चलिए अब क्यों आया ये मैं आपको बता दूं, ये भी देखिए 53 से लेनी है, मतलब 53 को तो हम काउंट करना नहीं होता है, और यहां पर मैंने लिखा 32, तो जिसमें से मैंने 1 माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर हमें ये डिजिट काउंट करनी नहीं होती है, इसलिए इसमें से हम भी 1 डिजिट भी क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हो, बट ये है कि आपका ज्यादा इजी होगा, तो आप लिख सकते हो देयर आर, ठीक है, लिख देते हम, सो होल नंबर्स आर बिटवीन 32
एंड 53 इज, ठीक है 53 इज 20। क्लियर, समझ में आया बच्चों? है क्वेश्चन 5, राइट द सक्सेसर ऑफ। स्टूडेंट सक्सेसर की बात की थी तो मैंने आपको समझाया था सक्सेसर हम कैसे निकालते हैं, आगे के डिजिट में हम प्लस करते हैं। सक्सेस मीन्स होता है आगे बढ़ना, तो उसमें वन कदम मीन्स वन पेयर आप आगे बढ़ जाओगे। चलिए कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। ठीक है, यहां पर देखिए कितना लिखा हुआ है 244071, ये डिजिट आपको राइट की गई है। तो हम लिखेंगे द सक्सेसर सक्सेसर ऑफ, ठीक है किसका सक्सेसर, ये जो यहां पे डिजिट लिखी गई है, ठीक है 244071 इज, ठीक है इसका हमें सक्सेसर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस डिजिट में हम वन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, वन क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 244071 0, अभी देखो वन वन क्या हो गया आपका टू, तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। मींस वन डिजिट हमें क्या करनी है, ओनली इसमें प्लस करनी है। सेकंड में हम देखेंगे लिखा क्या है आपका, देखिए 1,01,99 मतलब 1,01,99 आपको दिया हुआ है, तो सेम यही लाइन लिखना है द सक्सेसर ऑफ, ठीक है 1,01,99 इज, ठीक है तो उसमें हम फिर से क्या प्लस करेंगे बच्चों, वन हम प्लस कर लेंगे, वन प्लस कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए वन पहले यहां से देखिए वन 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 और नाइन क्या हो जाएगा टेन, टेन की हम करेंगे जीरो, वन कैरी मीन्स कितना हो जाएगा, देखिए वन और नाइन जीरो, जीरो और वन कैरी, वन और नाइन टेन, टेन की जीरो वन कैरी टू, और बाकी की डिजिट ऐसी हमारी क्या हो जाएगी नॉट हो जाएगी। तो कितना हो गया हमारा 1,02,00। ओके क्वेश्चन 3 देखोगे बच्चों, क्वेश्चन 3 में हमारा लिखा हुआ है यहां पे देखिए 10,00,000 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है देखिए रेट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 एंड 10,00,000, तो 10,99,999 दिया हुआ है। तो लिखेंगे द सक्सेसर ऑफ 10,99,999 इज, ठीक है वन हमें क्या करना है, इसमें भी प्लस ही करना है तो कर लेंगे प्लस फटाफट। ओके वन हमने प्लस कर लिया, तो देखिए अब वन प्लस करेंगे तो देखिए वन और नाइन आपका टेन हो गया, टेन की हम करेंगे जीरो, वन कैरी, वन और नाइन टेन, टेन की जीरो वन कैरी, वन एंड नाइन टेन, टेन की जीरो वन कैरी, वन एंड नाइन देन आफ्टर टेन जीरो वन कैरी, वन एंड नाइन टेन, टेन जीरो वन कैरी, वन एंड देन आफ्टर वन, सो इट इज वी गेट 11,00,000। टोटल आपका कितना आ गया, 11,00,000 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 23,45,670। तो लिखेंगे द सक्सेसर, द सक्सेसर ऑफ 23,45,670 मीन्स 23,45,670 इज, अब हम इसमें भी वन प्लस करेंगे बच्चों, तो 23,45,670 प्लस वन, ठीक है वन प्लस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 23,45,671। ओके क्लियर हुआ आपको बच्चों? क्वेश्चन 6, राइट द प्रेडिसर्स ऑफ। बच्चों मैंने आप लोगों को प्रेडिसर्स के मीनिंग समझाया था, प्रेडिसर्स मतलब होता है जस्ट बिफोर, उससे पहले कौन सी संख्या आती है, तो यहाँ पे देखिए 94 लिखा हुआ है, ठीक है तो सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे द प्रेडिसर्स, ठीक है क्या लिखेंगे
द प्रीडिसर्स ऑफ 94 इज, ठीक है 94 का हमें प्रीडिसर्स लिखना है, तो 94 में से हम 1 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 93। ओके प्रीडिसर्स मीन्स होता है आप ये 1 डिजिट आपको माइनस करनी होती है, तो माइनस हमने कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन आपका लिखा है यहाँ पे 10,000, तो लिखेंगे द प्रीडिसर्स, ठीक है लिखेंगे द प्रीडिसर्स ऑफ 10,000 इज, तो 10,000 में से हम 1 क्या करेंगे माइनस, ठीक है तो हमारा आंसर आएगा 9,999। तो ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड नंबर हम देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे 2,08,090। तो देखिए द प्रीडिसर्स, द प्रीडिसर्स ऑफ 2,08,090 इज, तो देखिए 2,08,090 में से हम 1 करेंगे माइनस, ठीक है तो देखिए 1 माइनस करेंगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो 2,08,000, अब 90 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपका 89। तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 4 क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देख लिए लिखा हुआ है रीड करेंगे 1,10,100,000, 10,000 लेख एंड 10 लेख, तो 76,54,321। तो द प्रीडिसर्स ऑफ 76,54,321 इज, तो देखिए 7,654,321 में से हम 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा 7,654,321 में से 1 गया तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस वीडियो में हमें क्वेश्चन 6 हेडिंग तक देखना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट हेडिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसे सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।